क्विक सक्सेस की रीज़न आप क्या देखते हैं अच्छा इसमें दो पहलू हैं एक तो ये है कि जब कोई भी फ्रेश ग्रेड है वो Uh, जब ग्रेजुएशन uh, कंप्लीट करता है तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, नहीं। तो मेनली uh, देखा यह जाता है कि uh, तीन चीज़ें हैं जो कि मेनली रिक्वायर्ड है एक तो टेक्निकल ग्रोथ होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मस्टली पैसा आपको चाहिए ही चाहिए और थर्ड चीज़ ये है कि आपकी जो uh, एक वर्क प्लेस है वो काफ़ी अच्छा हो फन एक्टिविटीज़ हो एंटरटेनमेंट हो एक्सेट्रा और जैसा कि हम पाकिस्तानियों को हमेशा से हर सिचुएशन में एडजस्ट करना हुँ, करना ही हुँ, पड़ता है हुँ, हुँ, तो हम काफ़ी लोग हम सारे बचपन से एडजस्ट कर ही रहे थे सही. लेकिन डबजिंग में हमने क्या किया हमने कहा कि ये तीनों चीज़ें ना हम प्रोवाइड करेंगे ठीक अच्छा। है एक तो उनकी तरफ से हमने ये चीज़ को क्लियर कर दिया टेक्निकल ग्रोथ भी देंगे और वर्क प्लेस अच्छी देंगे और उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे ओके और ऑन द अदर हैंड अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या होते हैं कि या तो हमने बस फेमस होना है और या हमने पाँच दस साल में इतना पैसा आ, बस कमा लेना है और एम्प्लॉय का इतना ख्याल नहीं रखना बस ठीक है हम भर अपने सोचना भी है लेकिन डेवसिंग में हमने हमारा एक ही गोल है कि एक तो हमने साथ मिलकर ग्रो करना है वो कहते हैं है ना इफ़ यू टू गो फार फारैन गो टूगेदर इफ यू टू गो फास्ट गो अलोन तो हम मिलकर एंड हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट करने के वाला कोई वो चीज़ गोल नहीं है हमारा सिर्फ एक ही गोल है क्या गोल है कि ट्वेंटी थर्टी तक हम एटी थाउजेंड जॉब्स प्रोड्यूस कर सकें ठीक है और हमारा बिल्कुल कामिल ईमान है इस पे हम बिल्कुल करते हैं अल्लाह ताला पे कि जो बंदा भी आ रहा है वो रिस्क लेकर आएगा अपना रिश्वत अल्लाह देने वाला है बिल्कुल सही

कमिंग वीक में वो क्लासेस भी उनके स्टार्ट होने लगी हैं फर्स्ट टू बैचेस हमारे निकल रहे हैं अब इसमें भी आ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारी तरफ से होनी चाहिए और सदका जा रही है ये भी हमारे तरफ से साथ माशा यानी आपकी पीपल पॉलिसीज़ हैं जितना मैं समझा हूँ माशा यू टू ग्रो पीपल यू टू गिव बैक टू योर कंट्री माशा एक्सिलेंट बड़ी अच्छी इंटेंशन है वट uh, अबाउट uh, अगर मैं पूछूं क्लियरली आपसे इस्लामिकली How हाउ देव सिंक इज़ यू नो यूनिक एंड हाउ What 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 यूनिकट do डू यू डिगार्ड्स टू इस्लामिक Sharia? अच्छा हम कोशिश यही करते हैं कि और अभी नाफ़े वालों के साथ हमारी एक वो इंट्रेक्शन भी है इस पर उनके साथ हम काम कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी को शरिया कम्प्लेंट कम्प्लीटली बना सको और उस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने काम स्टार्ट किया है एंड इनशा सून हम शरिया कम्पलाइंट ही होंगे अब इसमें शरिया कम्प्लाइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें क्या मुराद है लाइक जितने भी हमारे शरिया के मुताबिक जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इस्लाम जिस तरह कहता है कि हमने इस तरह काम करना है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके को वर्किंग स्पेस है तो उसमें भी क्या आपके पास एजुकेस ऐसे आते हैं कि आपने किसी को जबरदस्ती कोई आ, जो फीमेल है आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपने यहीं पे काम करना है उनकी एक अलग स्पेस हो हमने वो प्रोवाइड की ठीक है पर का इंतजाम कुछ चीजें जो वो लेवल पे है वो करना चाहती है और इसी तरह हमारी पिक्चर्स की कोई पॉलिसी है कि हम जबरदस्ती कोई पिक्चर्स नहीं लेते हम कहते हैं जो भी बस एक आइडेंटिटी हो अगर आप बुरका लेते हैं तो आपकी बुरके की पिक्चर है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एहसन भाई माशाल्लाह और आप जिस फील्ड से हैं आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टेक योर व्यूज़ ऑन इट बिकॉज डेफिनेटली आपका एक एक्सपोजर है यू नो वेयर इज़ इट ऑल हेडिंग सो मैं यहाँ पे सॉरी सॉरी टू तो कट यू है यहाँ पे एक और बात पता चलूँ कि मैंने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी कुछ की करने की कोशिश अच्छा, की अच्छा, है माशाल्लाह अच्छा। और मैंने मेनली अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मैंने एक रूबी का जैम है अल कुरान मैंने वो भी अच्छा, पब्लिश किया ओके किया था और उस उस कुरान में क्या है कि आपके पास आ, सारी आयात हैं hmm. और विद रिस्पेक्ट टू सूराज एंड जुज जिसे right. आप पारा कहते right. हैं right. तो एंड अलॉन्ग uh, 30 और थर्टी फोर डिफरेंट ट्रांसलेशन एंड सेवन टू एटसर डिफरेंट मुफसरीन की okay. और लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था तो इसकी डाउनलोड तो सेवन थाउजेंड डाउनलोड थी तो hmm. हम कोशिश यही hmm. कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह चीजें नाम इसका? अल कुरान, अल -कुरान. ये जम है ये रूबी की लाइब्रेरी को जम कहते हैं okay. तो